रक्षा करो बंदी छोड़ गरीब दास जी, बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ जी, रक्षा करो बंदी छोड़ गरीब दास जी, बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ जी, कृपा करो बंदी छोड़ गरीब दास जी, बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ उड़ान भरता है चारों दिशाओं में,
दूर दूर तक उड़ान भरता है, कोई ठिकाना जब नजदीक नहीं दिखाई देता तो अपनी शक्ति का अंदाजा लगा लेता है। ठिकाना तो दिखाई नहीं दे रहा, कहीं और ज्यादा आगे चला जाऊंगा, थक जाऊंगा, समुद्र में गिरकर मर जाऊंगा, तो विचार करता है क्यों ना वापस उसी जहाज पर चला जाऊं, कम से कम जीवित तो रहूंगा। ऐसा विचार करके अपनी दिशा को बदल लेता है और दूसरा कोई ठिकाना जब नहीं मिला तो वापस अपने उसी ठिकाने पर आ जाता है, विश्राम करता है। गरीबदास साहिब ने वाणी में कह दिया कि बंदी छोड़ दयाल जी, हे सतगुरु जी, बंद छुड़ाने वाले, न्याय करने वाले, मेरे अग्नि, मेरे सतगुरु, मेरे दया करने वाले, आपके सिवाय संसार में दूसरा कोई दयालुता करने वाला है नहीं, कृपा निधान नहीं है, दया निधान नहीं। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम लग हमारी दौड़, सिवाय तुम्हारे और हमारी दौड़ है नहीं। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम लग हमारी दौड़, जैसे काग जहाज को सूझते और न छोड़। मेरी स्थिति भी ऐसी ही है, इस जीव की स्थिति ऐसी ही है, अनेक कामनाएं लेकर इसका मन, इसकी बुद्धि, इसका चित्त विचरण करता रहता है। सद्गुरु के नाम रूपी ठिकाने को भूलकर अनेक प्रकार की उपासनाओं में इधर उधर भटकता है, समय और धन को बर्बाद करता है, और जब किसी पूर्ण संत की शरण में आ जाता है, जिस तरह से सद्गुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी हमारे पूर्ण संत हुए, गरीबदास साहिब की ही जो पंजाब में प्रकट हुई, इसी प्रकार से परम पूज्य स्वामी रामदेवानंद जी जैसे महापुरुषों का अवतरण हुआ, जिन्होंने अपने इष्ट देव के प्रति, अपने बंदी छोड़ के प्रति, छुड़ाने धाम के प्रति सब भक्तों के मन में भाव को परिपूर्ण कर दिया। इसलिए गरीबदास साहिब ने लिखा है वाणी में कि जिन मिलते सुख उपजे, जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया कि मेरे मन अनंत कहां सुख पा, वो सुख कहां पर मिलता है, वो सुख मिलता है पूर्ण संतों की शरण में। गरीबदास साहिब का कथन है कि जिन मिलते सुख उपजे, मेटे कोट उपाद, भवन चतुर्दश ढूंढिए परम स्नेही साथ। जिनके मिलने मात्र से, अनेक दुखों से तड़पते हुए इस जीव को सुख की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती। हमारे द्वारा किए गए अनेकों ही अशुभ कर्मों का नाश होना शुरू हो जाता है। मेटे कोट उपाधि, करोड़ों उपाधि जो पाप के रूप में हमारे से लगी हुई है, हमारे चित्त में संचित है, वो सब समाप्त होनी शुरू हो जाती। भवन चतुर्दश, 14 लोगों के अंदर, अखिल ब्रह्मांडों के अंदर ऐसे संत, परम संत, पतिव्रता संत को ढूंढने का प्रयास इस जीव को करते रहना चाहिए। आज जिस स्थान पर हम बैठे हैं, ये ऐसे ही परम संत, पतिव्रता संत, इष्टापति संत, परम पूज्य पंडित चिदानंद महाराज जी के परम शिष्य, महान विभूति गरीबदास के भेद को एक नई दिशा देने वाले परम पूज्य स्वामी रामदेवानंद महाराज जी का निर्वाण स्थान है, यहाँ उनकी समाधि है। इस समाधि से आज चारों तरफ ये संदेश जाता है कि भक्ति करें तो पतिव्रता बनकर, जाप करें तो पतिव्रता बनकर, सुमरण करें पतिव्रता बनकर। पतिव्रता शब्द
औरत के लिए ही नहीं, पतिव्रता औरत उसको कहते हैं जो अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो, किसी अन्य पुरुष का अपने मन में कभी ख्याल ही ना करे। लेकिन पतिव्रता भक्त, पतिव्रता संत, पतिव्रता साधक वो है जो अपने साहिब को, अपने सद्गुरु को, अपने बंदी छोड़ को पूर्ण भाव के साथ सुमरण करता है, पूजता है, उपासना करता है और उसी को पूर्ण फल प्राप्त होता है। परम पूज्य स्वामी रामदेवानंद महाराज जी ने इसी पतिव्रता धर्म का पालन किया, क्योंकि गरीबदास साहिब ने वाणी में लिख दिया है कि पतिव्रता के चरण की सिर पर रज ले डारे, अड़सठ तीरथ सब दिए गंगा नहर किनारे। सभी अड़सठ तीर्थों का फल किसी पतिव्रता के चरणों की रज को सिर पर डाल लेने से प्राप्त हो जाता है। पूज्य स्वामी रामदेवानंद जी को सदगुरु गरीबदास कबीर साहिब के प्रति पतिव्रता होने का क्या फल मिला? उनकी वाणी सिद्ध हो गई, जो उन्होंने वचन कर दिया वो कभी खाली नहीं है, जिसको जो आशीर्वाद दे दिया वो फलीभूत हुआ। भटके हुए जीवों को गरीबदास साहिब की वाणी की ओर और उनके परम धाम छुड़ानी धाम की ओर लाया। कोई विकारी बिगड़ता दिखता, कोई भगत तड़पता दिखा, कोई समस्या से ग्रस्त दिखा, तो एक ही बात कहते स्वामी रामदेवानंद जी का संदेश कि जाओ भाई छुड़ानी धाम की ज्योत सुख लो। और ऐसा ही उनके भक्त आज तक करते आ रहे। तो ऐसे ही परम संतों की खोज में जीव को निरंतर रहना चाहिए। इसी प्रकार से परम पूज्य स्वामी रामदेवानंद जी के बाद उनकी संगत के ऊपर गरीबदासी पंथ के महान संत सदगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी के निर्वाण स्थान श्री जरूर साहब धाम के वर्तमान संचालक परम पूज्य स्वामी विद्यानंद महाराज जी की छत्र छाया बनी हुई है, जो सदा बनी रहेगी। भक्तों को मार्गदर्शन मिलता रहेगा, जब तक संतों के शरणागति ये जीव है तभी उसका उद्धार होगा। सदगुरु के शरणागत होकर उस निज नाम को हमेशा ये जीव जब जपता है, संतों की सेवा करता है, तभी सदगुरु उस पर रीझ जाते हैं। सदगुरु के शरणागत रहिए, दास गरीब नाम निज रहिए। संत थे, सत्य पुरुष का स्वयं स्वरूप थे,
उनकी कीर्ति को देखकर सुनकर काशी के अंदर, बनारस के अंदर कई संप्रदाय के लोगों को, धर्म के ठेकेदारों को बड़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब खड़ी बात कहते थे, पाखंड का खंडन करते थे, अंधविश्वास और ढकोसले को दूर करने की प्रेरणा देते थे। तो कुछ लोगों ने मिलकर षड्यंत्र रचा कि कबीर की बहुत प्रसिद्धि हो रही है, कुछ ऐसा करते हैं कि कबीर की बदनामी हो जाए। तो उन्होंने चिट्ठा फेर दिया, मुनादी करवा दी, संदेश प्रसारित करवा दिया कि कबीर भंडारा करेगा। सदगुरु कबीर साहब तो अपनी झोपड़ी में बैठकर भजन कर रहे हैं, इधर भंडारे का प्रसार हो गया, लाखों की संख्या में धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोग, साधु संत, पीर फकीर, दरिद्र नारायण, आम जन जुटना शुरू हो जाता। आप जैसे जो संतों के उपासक भक्त हैं, सहज प्रवृत्ति वाले हैं, ऐसा नजारा देखकर उनको बड़ी चिंता हो गई। सदगुरु कबीर साहब के पास झोपड़ी में गए, प्रणाम किया और अपनी शंका जाहिर की, अपनी परेशानी को प्रकट किया। हे सदगुरुदेव, आप तो भजन में मगन बैठे हैं और आपके नाम से बहुत बड़ा भंडारे का प्रसार हो चुका है, ना भोजन का ना कोई अन्य प्रबंध है, कैसे होगा? अगर भंडारा नहीं हुआ आपकी बड़ी बदनामी होगी, आप कोई अपनी लीला दिखाएं, अपनी दिव्य लीला दिखाएं। सदगुरु कबीर साहेब मंद मंद मुस्काने लगे, भक्तों को परेशान देखकर स्वामी का भी चिंतित होना स्वाभाविक है। जब भक्तों ने बार बार निवेदन किया तो वहां पर सदगुरु कबीर साहब ने क्या किया, ये गौर करने वाली बात है। क्या इशारा किया? सदगुरु जी ने आकाश की ओर देखकर और अपने हाथ से बड़ा हल्का सा छोटा सा इशारा किया। अब आप लोग इस बात की गहराई में जाएं कि वो इशारा किसको किया। वो तो स्वयं सतपुरुष थे, शब्द लोक के, सतलोक के वो मालिक थे, तो इशारा किसके लिए? जो स्वयं अखिल ब्रह्मांडों का नायक, महानायक है, उसको जरूरत नहीं किसी को इशारा करने की। जिसकी कल्पना मात्र से सृष्टि खड़ी हो जाती है, उसको क्या जरूरत पड़ गई किसी और को इशारा करके बुलाने की। तो ये इशारा किसको किया था? ये इशारा किया था महामाया और विष्णु भगवान। क्यों किया? सदगुरु को जरूरत नहीं थी, लेकिन एक समय महामाया ने सदगुरु कबीर साहिब के समक्ष निवेदन करके एक प्रार्थना की थी और सदगुरु कबीर साहब से वचन ले लिया था कि एक बार मुझे सेवा का मौका देना, मैं आपका हुक्म बजाकर इतनी प्रसन्न होऊंगी, ये समझ लूंगी कि मेरे ऊपर भी आपकी कृपा है। और सदगुरु कबीर साहब किन अवतारी पुरुषों के श्रेणी में आते हैं? सदगुरु के समक्ष कोई नहीं। गरीबदास साहिब ने वाणी में एक वचन लिखा है कि माया त्यागी कौन है, गरीब माया त्यागी कौन है, सब माया के माही, विरक्त एक कबीर है, जाति सर्वर नाही। सब माया पास में बंधे हुए हैं, केवल मात्र कबीर ही माया तीत पुरुष है, जो माया से परे है, जो माया के प्रभाव में नहीं है। क्योंकि बंदी छोट की वाणी इस बात की गवाही देती है
कि माया ने सकल सृष्टि के सकल जीवों को अपने प्रभाव में ले रखा है, चाहे वो ऋषि मुनि हो, चाहे वो पशु पक्षी हो। माया एक विष की डोर के समान सभी के गले में लिपटी हुई। गरीबदास साहिब की वाणी का कथन है कि ऐसी माया मोहनी, गरीब ऐसी माया मोहनी, मोहे मोर चकोरे, पशु पक्षी छाटे नहीं, बांधे विष की डोर। तो यहां पर सतगुरु कबीर साहब को माया और भगवान विष्णु को इशारा क्यों करना पड़ा? इसके लिए कथा गरीबदास साहिब ने अपने वाणी ग्रंथ में दी है। सतगुरु जी की वाणी में मंगलाचरण के बाद साखियां, रमेणियां, राग, पद बहुत कुछ है। काव्य की दृष्टि से सतगुरु गरीबदास साहिब की वाणी बड़ी अनमोल वाणी है। हम सब गरीबदास साहिब के उपासक यहाँ पर बैठे हैं, तो सतगुरु जी की वाणी में राग मारू के अंदर एक भजन आता है, उसमें गरीबदास साहिब ने क्या कहा है, देख्या मगर जहूरा हो, देख्या मगर जहूरा हो, काशी में कीर्ति कर जाले, मिले नूर में नूरा हो। गरीबदास साहिब ने कबीर साहिब के जीवन से संबंधित, उनके उपदेशों से संबंधित, उनकी दिव्य लीलाओं से संबंधित, उनकी कुलटवासियों से संबंधित, उनके गूढ़ रहस्यों से संबंधित बहुत कुछ खुलासा किया। गुरुदेव के अंग के अंदर गरीबदास साहिब ने कहा, गरीब जिंदा जोगी जगत गुरु, मालिक मुर्शद पीर, दहुदीन झगड़ा मना, पाया नहीं शरीर। कबीर साहिब के ज्योति ज्योत समाने और प्रकट होने के संबंध में गरीबदास की वाणी जो है वो सबसे प्रमाणिक मानी गई। गरीबदास साहिब ने बंदी छोड़ कबीर साहिब के अवतरण के बारे में लिखा है कि पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, पांच तत्व जाके नहीं ताका नाम कबीर। पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, अन आहार करता नहीं ताका नाम कबीर। गगन मंडल से उतरे सतगुरु पुरुष कबीर, जलज माही कोडन किए सब पीरण के। ऐसा सतगुर हम मिलया सुरत सिंध के वीर, सब समतल सिरताज है सतगुर अदल कबीर। तो गरीबदास साहिब ने ज्योति ज्योत समाणी के बारे में लिख दिया कि उसकी मृत्यु को लेकर, अंतिम संस्कार को लेकर हिंदू मुसलमान दोनों के अंदर बड़ा भारी कलेश पैदा हो गया था। सतगुरु जी काशी को छोड़कर मगहर में आ गए, जो कि गोरखपुर के पास उत्तर प्रदेश में सतगुरु कबीर साहब का निर्माण स्थान है। क्योंकि ऐसी भ्रांति फैलाई हुई थी कि अगर कोई काशी में मरेगा तो मुक्ति को प्राप्त होगा, मगहर में मरेगा तो गधे की जूनी में जाएगा। सतगुरु कबीर का अवतरण तो इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए हुआ था। तो सतगुरु जी काशी के अंदर अनेक दिव्य लीलाओं को करते हुए, कीर्तिमान स्थापित करते हुए, जीवों का कल्याण करते हुए और मगहर में चले गए, ऐलान करके चले गए कि हमने ज्योति ज्योत समाना है, अपने सतलोक को जाना है तो मगहर में जाएंगे। उनके पीछे पीछे बिजली खान पठान और वीर सिंह बघेला, मुसलमान और हिंदुओं के शासक, अपनी अपनी सेना लेकर अपने अपने समुदाय को साथ लेकर चले गए। वहां पर तलवारें निकाल ली कि कबीर साहिब जब अंतर ध्यान होंगे, ज्योति ज्योत समाएंगे, तो इनके शरीर को हम अपने अपने मत के अनुसार, परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार करेंगे।
मुसलमान कहने लगे हम दफनाएंगे क्योंकि कबीर हमारा है, हिंदू कहने लगे कि कबीर हमारा है हम अग्नि संस्कार करेंगे। सदगुरु कबीर साहब की वाणी संप्रदायों के आपसी विवाद को दूर करने वाली। तो सदगुरु कबीर साहब ने एक अंतिम लीला दिखा दी, कहने लगे झगड़ा मत करो, हम इस झोपड़ी के अंदर जा रहे हैं, हमारे शरीर पर एक चद्दर डाल दो, थोड़ी देर के बाद हम सतलोक चले जाएंगे और जो कुछ शेष रह जाएगा उसको आधा आधा बांट लेना। बंदी छोड़ सतपुरुष कबीर साहब झोपड़ी में चले गए, एक चद्दर ऊपर डाल दी और एक चद्दर का पर्दा बना दिया। थोड़ी देर बाद सब लोग क्या देखते हैं कि झोपड़ी के अंदर से एक प्रकाश पुंज निकलकर आकाश की ओर चला गया। जब सतगुरु जी का अवतरण हुआ था लहरतारा तालाब काशी में, स्वामी रामानंद जी के प्रधान शिष्य थे अष्टानंद जी, वो बैठे हुए थे ध्यान में। उन्होंने क्या देखा कि आकाश मार्ग से एक ज्योति पुंज प्रकाश पुंज आया और एक खिले हुए कमल के फूल के ऊपर अवस्थित हो गया और तत्काल बाद एक बच्चा रोने लग जाता है। वो सतगुरु कबीर का प्राकट्य था, वो ज्योति पुंज सतलोक से आया और मगहर में उस झोपड़ी में से निकलकर उसी सतलोक में चला गया। दोनों संप्रदायों के मुखिया लोगों ने, वीर सिंह बघेला और जीनी खान पठान ने, तुरंत आगे बढ़कर पर्दा हटाया। अंदर से आवाज आई, खोलो पर्दा, है नहीं मुर्दा। मुर्दा तो था नहीं, क्योंकि गरीबदास साहिब ने कहा कि जिंदा जोगी जगत गुरु मालिक मुर्शिद वीर दहू दीन झगड़ा मटया पाया नहीं शरीर। मुर्दा तो वो तब होता अगर उसका शरीर होता, वो तो जिंदा जोगी था जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, जो अपने निज स्वरूप में रहता है, जो अपने निज ब्रह्म लोक से शब्द लोक से सतलोक से जीवों को उधारने के लिए इस धरा पर आता है और अपने कार्य को अंजाम देने के लिए अपने उसी शब्द स्वरूप से शब्द लोक सतलोक में चला जाता है। चद्दर उठाकर देखी तो वहां पर कुछ फूल प्राप्त हुए, झगड़े की तो समस्या ही खत्म हो गई। बिजली खान पठान ने अंजलि भरकर फूल ले लिए, उनको वहीं पर दफन कर दिया। वीर सिंह बघेला ने एक अंजलि भरकर फूल ले लिए और वहीं पड़ोस में अग्नि संस्कार कर दिया। ये इतिहास की बात है, लेकिन आज वर्तमान में क्या है, मगहर गौरखपुर के पास पड़ता है, संत कबीर नगर उस जिले का नाम पड़ गया है। वहां पर कबीर साहिब का निर्वाण स्थान स्मारक एक मंदिर के रूप में, कबीर साहब का निर्वाण स्थान एक मजार के रूप में, दोनों के बीच में बड़ी मुश्किल से 20-30 फुट का फासला है। इधर तो हिंदू पूजा करते हैं, उधर मुसलमान श्रद्धा करते हैं। वहां पर मेला एक ही लगता है, हिंदू मुसलमान मिलकर उस मेले की शोभा बढ़ाते हैं, साहिब का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, सरकार उस मेले का आयोजन करती है। पूरे विश्व के अंदर, अखिल ब्रह्मांड के अंदर ऐसी कोई दिव्य मूर्ति नहीं हुई कि जिसका ऐसा स्मारक हो, एक हिंदुओं के पास एक मुसलमानों के पास हो, ना कभी कोई विवाद हुआ, बड़ा सौहार्द के साथ वहां कार्यक्रम होता है। सतगुरु कबीर निर्वाण स्थली के नाम से जाना जाता है। दोनों परस्पर एक दूसरे से मिले हुए हैं, 15-20 का फासला है, 15-20 फुट का फासला है और वहां पर बड़े आनंद के साथ लोग सतगुरु की उपासना करते हैं। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा था कि शब्द का मुखड़ा है कि देखा मगर जहूरा हो, ऐसी दिव्य लीला मगर में दिखाई सतगुरु ने, देखा मगर जहूरा हो काशी में कीर्ति कर चाले मिले नूर में नूरा, अपने निज नूर में शब्द रूप में वो मिल गए। अब प्रसंग वहां पर आता है जहां से मैंने प्रारंभ किया था, महामाया और विष्णु भगवान का। एक बार विष्णु लोक में विष्णु भगवान श्री हरि के पास महामाया बैठकर उनकी सेवा कर रही थी।
प्रसंग चल गया, कथा चल गई। माया कहने लगी, हे प्रभु, ये सकल सृष्टि मेरे प्रभाव में है, मेरे से कोई अछूता नहीं। कबीर साहिब के बारे में भगवान विष्णु ने उसी समय माया को टोक दिया, महामाया तुम्हारे को बहुत बड़ी गलत फहमी है, ये ठीक है सब तुम्हारे अधीन है, तुमने सभी को अपने वश में कर रखा है, लेकिन इस समय पृथ्वी लोक पर काशी के अंदर, बनारस के अंदर कबीर नाम का एक फक्कड़ संत है, वाणी बोलता है, लोगों को उपदेश करता है, वो सत्य पुरुष है। जिस सत्य पुरुष ने, पूर्ण परमात्मा ने तुम्हारी हमारी सबकी सृजना की है, वो हम सबका मालिक है। इस समय वो पृथ्वी लोक पर अवतार धारण करके जीवों को सत्य भक्ति सन्मार्ग दिखला रहा है। माया कहने लगी, मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं, मैं तो स्वयं जाऊंगी, परीक्षा लूंगी। और माया ने भगवान विष्णु को कह दिया, मैं क्षण मात्र में जाकर कबीर को बांधकर आपके चरणों में हाजिर कर दूंगी। भगवान विष्णु कहने लगे, अगर नहीं कर पाओगी तो क्या होगा, कि जो चाहे आप दंड दे देना। ऐसा कहकर माया ने एक सुंदर अप्सरा का रूप धारण कर लिया, कबीर साहिब की झोपड़ी के आगे क्षण मात्र में पहुंच गई, बड़ी सुंदर मोहनी भाव भंगिमा के साथ नृत्य करने लग जाती है कि कबीर की समाधि टूटे और मैं इनको पराजित करके बांध के अपने साथ विष्णु लोक में ले जाऊं। काफी देर तक नृत्य करती रही कबीर साहब, मगन रहे भजन में, और आखिर में थक कर, टूट कर, चूर होकर, परेशान होकर, चक्कर खाकर गिर पड़ती है और उसका सिर कबीर साहिब के चरणों में जाकर लग जाता है। कबीर साहिब ने आंखें खोली, माया ने देखा कि ये तो स्वयं एक बहुत बड़े दिव्य पुरुष है। माया की आंखें चुंधिया गई सदगुरु का सुंदर स्वरूप, विराट रूप देखकर, लेकिन निवेदन करने लगी, हे सत्य पुरुष, भगवान विष्णु ने मुझे कहा था कि आप सत्य पुरुष हैं, मुझे यकीन नहीं आया, अब मुझे पता है कि मैं आपको वश में नहीं कर सकती, आपको जीतने आई थी लेकिन स्वयं पराजित हो चुकी हूं, पर कृपा करके एक बार मुझे अपना दिव्य स्वरूप, विराट स्वरूप, अपना निज स्वरूप दिखा दे। सदगुरु कबीर और माया
का वार्तालाप गरीबदास साहब ने बड़े सुंदर ढंग से चित्रण किया है। माया आदे अरस से उतरी बड़ी अप्सरा हुरा हो, हम तो बड़े कबीर पुरुष को तू है दुल्हा पूरा हो। हे कबीर, मैं आकाश मार्ग से आई, विष्णु लोक से आई हूँ, सुंदर अप्सरा का मेरा रूप है, इसलिए आई हूँ मैं तुमसे शादी करने के लिए आई, तुमको मरने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैंने सबको देख लिया, मुझे कोई पूर्ण पुरुष पूरा दुल्हा मिला ही नहीं, तुम मेरे लिए पूर्ण पुरुष हो, पूर्ण दुल्हे हो, आपका वर्णन करने के लिए आई। कबीर साहब ने ध्यान नहीं किया तो फिर से एक बार अपने बारे में बताने लगी। माया कहे कबीर पुरुष से देखो बदन जहूरा हो, अरस विमान सुरग में मंदिर हो गए हमको सूरा हो। हे कबीर, मेरी ओर जरा देखो, मैं कितनी सुंदर हूँ, कितना सुंदर मेरा बदन है, बड़े कीमती महलों में रहती हूँ, आकाश में, स्वर्ग लोक में, विष्णु लोक में विमान से मैं यात्रा करती हूँ, अपनी महत्ता दिखा रही है। कबीर साहिब क्या कहते हैं, गरीबदास साहिब ने एक वाणी के अंदर लिख दिया, कहे कबीर सुनोरी माया कुटिल नजर तुम्हें घूरा हो, कहे कबीर सुनोरी माया कुटिल नजर तुम्हें घूरा हो, जिन भोगी सोई कल रोगी हो गए घूर में घूरा हो। वो तो धूल में मिल जाता है, आवागमन के चक्कर में पड़ जाता है, इसलिए तुम हमारे समीप नहीं आते, हमारे सेवकों के समीप नहीं आना। तो यहां पर माया फिर जोर देती है, माया कहे कबीर पुरुष से मैं हूं जग से दूरा हो, मैं तुम्हारी पटरानी दासी राखो पलक हजूरा हो। हे कबीर, मुझे संसार से कोई मतलब नहीं, सृष्टि से कोई मतलब नहीं, मैं तो केवल मात्र आपकी बनकर रहना चाहती हूँ, आपकी पटरानी बनकर रहना चाहती हूँ, अगर पटरानी नहीं बनाओ तो दासी ही बना लो, आपको सदा पलकों पर रखूंगी, आपकी अनंत अखंड सेवा करूंगी। लेकिन कबीर साहब ने उसको एक सेकंड के अंदर क्षण मात्र में ही बुरी तरह से डपट दिया। कहे कबीर सुनोरी माया तुम तो लड्डू पूरा हो, जो तुझ खावे सो बह जावे तासे अकल का कूड़ा हो। ए माया, तुम तो गूर के लड्डू की समान हो, खाने वाला और ना खाने वाला दोनों ही पछताते हैं, और जिसने तुम्हें अंगीकार कर लिया तुम उसकी अकल को हर लेती, उसकी अकल का कूड़ा बना देती हो, वो परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाता है। अब सतगुरु कबीर साहब ने उसको अपना आदेश प्रमाण कर दिया कि तुम्हारा स्वान मैंने देख लिया है, अब तुम यहां से चली जाओ और मेरे मानने वाले मेरे किसी भक्त को तुम सता नहीं पाओ। जो सत्य भक्ति करेंगे, सत्य नाम का जाप जपेंगे, सत्य पुरुष की मेरी भक्ति करेंगे, तुम उनके नजदीक नहीं आ पाओ। तो सतगुरु कबीर साहिब ने क्या कहा, गरीबदास महाराज जी ने अपनी वाणी के अंदर उसका